दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ भैया ये गांधी चौक भाटी की डांग है बोराज के पास में है यहाँ पे अधिकतर लोग मजदूर लोग रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इतने टाइम हो गए 20-25 दिन हो गए लॉकडाउन हुए जब तक जिनके पास था तब तक खा लिए पी लिए लेकिन अब इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है कुछ भी और यहाँ पे अब हमने वार्ड मेंबर के पास गए तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता तब जाके फिर हमने सरपंच को फ़ोन किया तो सरपंच यहाँ पे आए अब वो ये कह रहे हैं कि मैं हम सबकी सहायता तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ जिनकी ज़रूरतमंद है उनका नाम लिख के हमको दो अब नाम लिखने वाले वही अब वो किसका नाम लिखेंगे किसका नहीं लिखेंगे ये तो मैं नहीं कह सकती लेकिन उन्होंने अभी इतना आश्वासन ज़रूर दिया है कि भाई लिस्ट बना के मुझे दो और यहाँ पे सब मजदूर लोग हैं कोई यहाँ पे सर्विस वाला नहीं है कोई बिजनेस वाला नहीं है तो यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है लोग बागों को सरपंच है क्या नाम है सरपंच का नाम हमारे मथिया है तो उन्होंने आज क्या बोला आज उनके हस्बैंड जो भी आए थे उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि है ना आप लिस्ट बना के दो मुझे ज़रूरतमंद लोगों की तो हम मैं कोशिश करूँगा मेरे पास भी कुछ भी नहीं है उन्होंने साफ ये बोला कि हमारे पास भी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की आपका नाम लक्ष्मी और अभी ये बंद हुए कोरोना के हिसाब से 20 दिन हो चुके हैं 20 दिनों के बाद भी आज तक हमारे पास कोई सुविधा नहीं पहुँची है और हम दो बार आ चुके हैं रंगलाल जी के पास भी आ चुके हैं हमारे जो वार्ड मेंबर हैं और अभी सरपंच साहब जी आए हुए हैं इनसे भी शिकायत की है तो ये कह रहे हैं शाम तक कोई व्यवस्था करते हैं आप लोगों की और अभी तक तो कोई आया नहीं है भाई साहब जितना हमारे पास था 10-12 दिन का खाना हम पूरा खा चुके अब हम बिल्कुल लाचार हो चुके हैं किसको शिकायत की आपने क्या है हमारे सरपंच साहब जो हैं वो हैं और वार्ड मेंबर साहब जो उनको भी कहा है दोनों को शिकायत कर चुके हैं सरपंच साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने बोला आप लिस्ट बना के दो वो लिस्ट आप हमें दोगे तब हम उसकी कार्रवाई करेंगे मैं विधवा हो रहा हूँ मेरा किराए का मकान है रोजी रोजगार कुछ नहीं है मेरी एक छोटी सी बच्ची है वो तक दूध बिस्कुट के लिए रोती है घर में अनाज पानी का कोई साधन नहीं है हम जगह जगह शिकायत लेके जा रहे हैं कहीं सुनाई नहीं हो रही है इसके बाद आप शिकायत लेके इन भैया के पास में गए उनके नेताजी के पास में गए उनके उधर है उनका सरपंच जी के पास गए थे हम और ने क्या दिया उन्होंने ये कहा कि लिस्ट बना के लाओ हमने एक बार लिस्ट भी दे दी पर अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है आपका नाम हेमलता कौन सी जगह है ये पीपली चौक भाटी की डांग ग्राम पंचायत सरपंच पति सर मेरी पंचायत के अंदर काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि रोज़ कमा के रोज कमा खाने वाले लोग हैं ठीक है काफ़ी लोग हैं करीब करीब लोग हैं पंचायत में करीब हमने जितनी व्यवस्था की उतनी हमने करवाई है और करीब लोग ऐसे भी हैं विधवा काफ़ी लोगों ने नहीं पहुँची वो आज मुझे इकट्ठा होकर मुझे फ़ोन किया था मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आप लिस्ट बनाओ जितने भी लोग उनकी लिस्ट बना के जितने लोगों जितनी मेरी व्यवस्था होगी उतनी मैं करवाऊंगा बाकी मैं सरकार को लिस्ट बना के आगे भेजूंगा जो भी आगे व्यवस्था कराऊंगा ये रावत नगर बाटी की डांग जी 21 से 25 बोरियाँ धान की बता दें 200 लोगों को और पूरी पंचायत के अंदर मैंने 21 से 25 बोरी का समथिंग मैंने करवा दिया लोगों को और 200 लोगों को पंचायत बड़ी होने के कारण काफ़ी लोगों में समस्या हो रही है ऐसी कि 15,000 वोटर हैं करीबन यहाँ पे इसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे जिसकी बात व्यवस्था खराब हो रही है बिल्कुल रोज कमाने खाने वाले लोग हैं आपका नाम सुखदेव भाट